नवरात्रि स्टार्ट हो चुकी है, दिन ऐसे में समझ में नहीं आता है कि क्या बनाएं, क्योंकि काफ़ी सारी चीज़ें खाना नहीं होता है। बट आप मीठा सभी फेस्टिवल में खा सकते हो और स्पेशली नवरात्रि में भी। सो मैंने सोचा क्यों ना आपके साथ केसर बर्फी की रेसिपी शेयर की जाए, क्योंकि आप बाहर से मिठाई लाकर खा लोगे बट मन नहीं भरेगा, मन में लगता रहे कि कहीं मिलावटी तो नहीं है, इसमें कुछ ऐसा तो नहीं मिला हुआ जो कि नवरात्रि में नहीं खाना है। सो चलिए मेरे साथ बनाइए केसर बर्फी बिल्कुल सिंपल तरीके से एंड फर्स्ट टाइम में बिल्कुल परफेक्ट बनेगी। सो हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ सौम्या और आप सभी का वेलकम करती हूँ अपने चैनल पर। सो रेसिपी को बिल्कुल एंड तक वॉच करिएगा ताकि कोई भी स्टेप मिस ना हो जाए और आपकी भी रेसिपी बिल्कुल परफेक्ट बने। एंड रेसिपी अच्छी लगे तो ढेर सारे लाइक्स करिएगा। तो चलिए स्टार्ट करती हूँ। सो सबसे पहले केसर बर्फी बनाने के लिए मैं यहाँ पर मिल्क पाउडर और पनीर ले रही हूँ। सो मैंने यहाँ पर हाफ कप मिल्क पाउडर लिया है। सो ये जो मैंने यहाँ पर मिल्क पाउडर यूज़ किया है, इसमें चीनी की क्वांटिटी बिल्कुल भी नहीं है और ये बिल्कुल ट्रस्टेड प्रोडक्ट है मेरे लिए। तो आप कोई वैसा मिल्क पाउडर यूज़ करना जो कि आपके लिए ट्रस्टेड हो, मतलब उसमें कोई मिलावट ना हो। और साथ में ही मैंने यहाँ पर एक कप छेना लिया है, अगर वेट से कहो तो ये 200 ग्राम के आसपास है। ये जो छेना है बिल्कुल मैंने ताज़ा ताज़ा घर में ही निकाला है। सो छेना कैसे निकालते हैं वो वाला वीडियो का लिंक मैं दे दूँगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो वहाँ से चेक कर लेना। आप चाहो तो यहाँ पर पनीर का यूज़ कर सकते हो क्रश करके। एंड नेक्स्ट यहाँ पर ग्राइंडर जार ले रही हूँ और उसमें पनीर और मिल्क पाउडर को ट्रांसफ़र कर दे रही हूँ। और साथ में ही मिठास के लिए मैं यहाँ पर 1/3 कप चीनी ऐड कर रही हूँ। आपको वेट में मेजरमेंट डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से आप चेक कर लेना। केसर बर्फी मिठास में थोड़ी सी फीकी होती है बट आपको बिल्कुल परफेक्ट या फिर थोड़ा एक्स्ट्रा मीठा चाहिए तो आप 2-3 चम्मच चीनी बढ़ा सकते हो। सो सारी चीज़ों को बिल्कुल अच्छे से ग्राइंड कर लेंगे। देख सकती हूँ सारी चीज़ें कितने अच्छे तरीके से मिल चुकी हैं। सो आप इस तरीके से अगर बर्फ़ी बनाओगी तो जो बर्फ़ी बनाने का टाइमिंग है वो थोड़ा कम लगेगा और आपको इजी भी हो जाएगा बर्फ़ी बनाना। तो अब चलिए अगले प्रोसेस में चलते हैं। सो नेक्स्ट मैं यहाँ पर एक पैन ले रही हूँ और इसमें हाफ कप मिल्क ऐड कर रही हूँ। सो आप यहाँ पर कच्चा या फिर बॉइल्ड कोई भी मिल्क यूज़ कर सकते हो। जब दूध गर्म होना स्टार्ट हो जाए तो इसमें ऐड करेंगे सैफ्रॉन थ्रेड। सो मैंने यहाँ पर 5-6 सैफ्रॉन थ्रेड ऐड किया है और साथ में ही येल्लो लिक्विड फूड कलर ऐड कर रही हूँ, क्योंकि जो केसर है उसे तो पीला होने वाला है नहीं, काफ़ी ज़्यादा आपको मात्रा में ऐड करना पड़ेगा। सो सारी चीज़ों को बिल्कुल अच्छे से मिक्स कर लेंगे एंड 1-2 मिनट के लिए पकाएंगे ताकि जो सैफ्रॉन है उसका अच्छा से एक टेस्ट दूध में आ जाए। एंड अगर आप चाहो तो फूड कलर को स्किप भी कर सकते हो। दूध काफ़ी अच्छे से उबलना स्टार्ट हो चुका है। सो इस स्टेज पर ग्राइंड की हुई चीज़ें ऐड कर देंगे एंड अब इसे भी दूध के साथ पकाना स्टार्ट करेंगे। तो बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, सिर्फ आपको 5-6 मिनट का टाइम लगेगा एंड जो फ्लेम है उसे लो टू मीडियम रखना है, क्योंकि ये सारी ऐसी चीज़ें हैं जो काफ़ी ज़्यादा जल्दी बॉटम में चिपकने लगती है। तो आपको फ्लेम को मीडियम रखना है और बिल्कुल कंटिन्यू चलाते रहना है। केसर बर्फी बनाने का जो सबसे सिंपल तरीका है आज वो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। मे बी आपको इससे सिंपल रेसिपी बिल्कुल नहीं मिलने वाली है। पकाते हुए मुझे 3 मिनट के आसपास हुआ है और देख सकते हो पहले से काफ़ी ज़्यादा ड्राई हो चुका है। सो 2-2.5 मिनट के लिए इसे और पकाएंगे एंड जब आप इसे पका रहे हो तो स्पैचुला से हल्का से इसे क्रश करते जाना है ताकि इसमें कोई भी एक्स्ट्रा गुठली ना पड़े। आप चाहो तो इस केसर बर्फी को मिल्क पाउडर के साथ बना सकते हो या फिर जो खोआ होता है उसके साथ बना सकते हो। एंड साथ में ही मैंने यहाँ पर चीनी का यूज़ किया है। आप चाहो तो यहाँ पर मिश्री भूरा या फिर गुड़ का यूज़ कर सकते हो, बस हल्का फल्का टेस्ट में डिफरेंट हो जाएगा बट जो केसर बर्फी है बिल्कुल टेस्टी रेडी होगा। सो लास्ट मुझे 5 मिनट के आसपास हो चुका है इसे पकाते हुए एंड देख सकते हो पैन को मिक्सचर बिल्कुल छोड़ रहा है। सो इस स्टेज पर फ्लेम को ऑफ कर देंगे एंड जितना भी बर्फी का मिक्सचर है उसे मैंने एक प्लेट में ट्रांसफ़र कर दिया है। एंड इस स्टेज पर ये जो मिक्सचर है इसे 3-4 मिनट के लिए आपको मैसर से मैश करना है ताकि जितना भी इसमें छोटा छोटा सो जो दरदरा सा पार्टिकल हो बिल्कुल मैश हो जाए, बट उतना मेहनत करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। सो जिस ग्राइंडर जार में मैंने स्टार्टिंग में सारी चीज़ों को ग्राइंड किया था उसी में मैं इस मिक्सचर को ट्रांसफ़र कर दे रही हूँ और मिक्सर ग्राइंडर को रुक रुक कर 2-3 बार चला लेंगे। सो फाइनली बर्फी का मिक्सचर बिल्कुल रेडी हो चुका है। बट इस स्टेज पर अगर आपको ऐसा लगे कि ये जो मिक्सचर उससे बर्फी नहीं बन पाएगी, मतलब बर्फी का शेप नहीं ले पाएगा, थोड़ा ज़्यादा पतला है,
तो आप इस चीज़ पर 2 से 3 बड़ा चम्मच मिल्क पाउडर ऐड करके मिक्स कर सकते हो। एंड आपको बिल्कुल परफेक्ट मेज़रमेंट डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, वहाँ से चेक करके ही बनाना। बट जो मेज़रमेंट मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, अगर आप इस मेज़रमेंट से बनाओगे तो कोई भी एक्स्ट्रा चीज़ आपको बाद में ऐड करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सो देख सकते हो ये जो बर्फ़ी का मिक्सचर है बिल्कुल परफेक्ट है, ना तो काफ़ी ज़्यादा थिन है कि इससे बर्फ़ी नहीं बन पाएगी, ना ही काफ़ी ज़्यादा ये हार्ड है। तो बर्फ़ी का थोड़ा सा मिक्सचर लेंगे और हाथों से प्रेस करके अच्छे से राउंड शेप में कर देंगे। हाथों से बिल्कुल अच्छे से प्रेस करके राउंड करना है ताकि कोई एक्स्ट्रा क्रैक्स ना रह जाए एंड जो हमारी बर्फ़ी हो बिल्कुल परफेक्ट बने हर तरफ से। तो देख सकते हो बिल्कुल क्रैक्स फ्री मैंने राउंड शेप का बॉल तैयार कर लिया है। एंड चलिए अब बर्फ़ी को सेट कर लेते हैं। सो नेक्स्ट मैंने यहाँ पर पार्चमेंट पेपर लिया है और इसमें हल्का सा घी लगा दे रही हूँ ताकि जो बर्फ़ी वो चिपके ना। एंड नेक्स्ट मैं यहाँ पर कुकी कटर ले रही हूँ और इसमें भी अच्छे से घी लगा दे रही हूँ। आपके पास कुकी कटर अवेलेबल नहीं है तो आप यहाँ पर कोई कैप ले सकते हो या फिर कोई छोटी कटोरी ले सकते हो एंड उसमें बिल्कुल अच्छे से घी लगा देना है ताकि जो बर्फ़ी का मिक्सचर बिल्कुल भी ना चिपके। कुकी कटर के बीच में मैं यहाँ पर पिस्ता का एक टुकड़ा रख रही हूँ और जो मिक्सचर है बर्फ़ी का उसे प्लेस करेंगे और बिल्कुल अच्छे से हाथों से दबा करके बर्फ़ी का शेप तैयार कर लेंगे। आप चाहो तो यहाँ पर पिस्ता को रिप्लेस कर सकते हो काजू, आलमंड्स या फिर रोज़ पेटल्स के साथ कर सकते हो या फिर सैफ्रॉन थ्रीड के साथ कर सकते हो। देख सकते हो पिस्ता कितने अच्छे तरीके से बर्फ़ी में जाके सेट हो चुका है। एंड लास्ट मैं आपको निकाल कर दिखाती हूँ कि कितना परफेक्ट रेडी हुआ है। एंड लास्ट देख सकते हो केसर बर्फी बिल्कुल बनकर रेडी हो चुका है। सो चलिए इसी तरीके से सभी को बना लेंगे। एंड लास्ट सभी को मैंने बनाकर तैयार कर लिया है। एंड इसका लुक देख सकते हो, जो बाहर हलवाई वाली महंगी महंगी केसर बर्फी होती है बिल्कुल उसके टक्कर का है। एंड इसे आप किसी को सर्व कर दोगे तो उसे तो बिल्कुल बिलीव नहीं होगा कि आपने इसे घर पर रेडी किया है। सो चलिए मैं आपको इसे एक तोड़कर दिखाती हूँ कि इसका टेक्सचर कैसा है। एंड लास्ट देख सकती हो, जो बर्फ़ी का टेक्सचर होता है बिल्कुल वैसा ही है, ना ही काफ़ी ज़्यादा हार्ड है और ना ही बिल्कुल सॉफ्ट सा है। सो आप इस बर्फ़ी को महीनों इंजॉय कर सकते हो फ्रिज में रख करके। मे बी आपको ये रेसिपी काफ़ी अच्छी लगी होगी, देन सिंपल भी लगी होगी। सो रेसिपी अच्छी लगी है तो ढेर सा रिलैक्स करो और अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करो ताकि वो भी ट्राई कर सकें। एंड इस नवरात्रि तो पक्का से ट्राई करना। एंड रेसिपी कैसी बनी कमेंट सेक्शन में लिखना बिल्कुल मत भूलना। एंड अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हो और आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से करना और जो साइड में छोटा सा नोटिफिकेशन बेल आएगा उसे प्रेस करके ऑल कर लेना, तभी मैं कल वीडियो डालूंगी तो उसकी नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचेगी। और हाँ, सब्सक्राइब ज़रूर करना, काफ़ी सारी नवरात्रि रेसिपीज़ मैं ऐड करने वाली हूँ चैनल पर तो उसकी नोटिफिकेशन आपके पास ही पहुंच जाएगी। तो मिलती हूँ कल एक ऐसी ही रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।